45 IAS की भर्ती होने वाली है। मतलब इस देश में अगर आप IAS बनते हैं तो पहले एग्जाम देते हैं UPSC का, फिर आप IAS कैडर में अगर चुने जाते हैं तो भी आप पहले क्या बनते हैं, SDM बनते हैं, फिर आप DM बनते हैं, फिर आप सेक्रेटरी बनते हैं। लेकिन अब भारत सरकार एक एक डिपार्टमेंट में एक एक पद लाकर बिना परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर, मतलब IAS से भी बड़े पदों पर नियुक्ति कर रही है। और इसमें कहीं कोई आरक्षण का जो मसला है वो नहीं उठ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, तो इसके खिलाफ भी आप लोग आवाज उठाइए। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कहीं देर ना हो जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन तमाम मुद्दों पर आप लोग अपनी आवाज उठाइए, नहीं तो आपके हक अधिकार छीने चले जाएंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, SC ST का मामला हो, सोशल मीडिया के आने के बाद इन तमाम लोगों मुद्दों पर आप सोचिए, अगर सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब ना होता, फेसबुक न होता, ट्विटर न होता, तो क्या टीवी अखबार ने कभी इस मामले को मुद्दा बनाया? तो टीवी अखबार आपके हितों की बात कभी नहीं करेगा, और खासकर सवर्ण लिबरल पत्रकार भी आपके हितों की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का दम है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मोबाइल आया है और इंटरनेट ना, ये बहुजनों की मुक्ति का मार्ग है। आप सोचिए, इस देश में रोज बिहार के मुजफ्फरपुर की तरह जघन्य अपराध होता है, लेकिन अब सोशल मीडिया है और तमाम SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और वो हक अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तमाम गैर बराबरी के खिलाफ आप आवाज उठाइए और सोचिए, यूपी में एक चुनाव ने पूरा खेल बदल दिया है और तमाम देश के SC ST OBC नेता एकजुट हो रहे हैं, और इसकी वजह है सोशल मीडिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और खासकर मैं बार बार कह रहा हूं, दिलीप मंडल को आपको क्रेडिट देना होगा। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकार की बात दिलीप मंडल सबसे ज्यादा करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी बातें आपको इसलिए पता चल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया है और अपनी काफी संख्या में आप लोग पत्रकार बनिए। पत्रकार नहीं है तो आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, नहीं तो आपकी नस्लों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। संवैधानिक तरीके से अपनी बात उठाइए, आपको न्याय मिलेगा। 45 लेटरल एंट्री किए जा रहे हैं, IAS की सीधे भर्ती होगी, इसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। सोचिए, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन अब 45 दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण और उनका अधिकार छीनने के लिए UPSC लेटरल एंट्री की नौकरी लाया जा रहा है। सोचिए, कोलोजियम से हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे बिना परीक्षा के, वो सही फैसला देगा। अब IAS बनाया जाएगा बिना एग्जाम के, वो सही करेगा, लेकिन SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब इस देश में बेईमानी की इंतहा है। एक एक पोस्ट निकाला जा रहा है और इस पर सारे सोशल मीडिया पर आप लिखिए, पढ़िए, आरक्षण खत्म हो गया, ये अफवाह नहीं, हकीकत है। जिन लोगों को लगता था BJP आरक्षण खत्म नहीं करेगी, उन्हें UPSC द्वारा जारी लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन देखना चाहिए। 45 पदों में SC ST OBC के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, एक एक पद निकाला जा रहा है। अभी भी मौका है, 69,000 शिक्षक भर्ती के पक्ष की तरह आप इस पर लिखिए, सरकार के कान खड़े कीजिए, क्योंकि आपके पास 90% वोट है और तमाम SC ST OBC के मंत्रियों को इस पर बोलना चाहिए, नहीं तो आपके सारे अधिकार इसी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। नेहा सिंह राठौर ने भी आरक्षण का मुद्दा को उठाया है कि लेटरल एंट्री में आरक्षण क्यों नहीं है, ये बड़ी खबर है। और सोचिए, बेईमानी किस हद तक होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी मीटिंग में बताया गया है कि 29% नियुक्ति हुई और 71% लोग नॉट फाउंड सुटेबल किए गए NFS, जिसमें सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग हैं। तो आज दूसरी बड़ी खबर है, लेटरल एंट्री आरक्षण घोटाला है ये। UPSC के ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जैसे 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती की जाएगी, कोई SC ST OBC को मौका नहीं मिलेगा जब परीक्षा में नंबर काट लेते हैं। RJD ने इस मुद्दे को भी उठाया है। तो ये वो खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। और सोचिए, इस देश में जातिवाद करने के नए से नए तरीके निकाले जाते हैं
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सचेत रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। तो 45 डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं लेटरल एंट्री के जरिए, और जब तक इसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे आपके हक अधिकार इसी तरह से छीने जाते रहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है और दिल्ली संघ लोक सेवा आयोग और इसको लेकर सारे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। और देर सवेर सरकार को समझना पड़ेगा कि आपको नौकरियां देनी पड़ेंगी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ घिनौनी हरकत कर रही है। तो सोचिए लेटरल एंट्री के जरिए कितने बड़ी वैकेंसी में बेईमानी है। डॉक्टर जितेंद्र मीना लिख रहे हैं, केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के नाम पर विभिन्न मंत्रालयों में 52 लोग की नियुक्ति देने जा रही है, पहले भी वो दे चुके हैं। तो ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा है, बधाई हो वंचितों शोषितों, लेटरल एंट्री की नई आमद आई, यानी आरक्षण खत्म करने की नई आमद। ये लोग बिना किसी इम्तिहान के सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे। तो इस तरह की तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब एक और अब बड़ी खबर बता दूं आपको, बिहार के बेतिया में पीएम मोदी की एक सभा हुई, उनकी एक सभा का खर्चा 24 करोड़ रुपया है। जो तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए आर्यों ने चार वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वर्ण आश्रम व्यवस्था ने जाति को जन्मजात कर दिया, बड़ी आबादी को अस्पृश्य घोषित किया, शिक्षा और संपत्ति से वंचित किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाशिए पर पड़ी हजारों जातियों को गठन कर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी बनाया है, अब इसको भी बांटा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसको लेकर लड़ रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को बड़ा कॉल दिया है, और सोचिए किस तरह से मुजफ्फरपुर में जिस तरह से जो घटना हुई है दलित बच्ची के साथ वो खतरनाक है, और उसके खिलाफ आज बीएसपी का एक बड़ा दल गया है। बीएसपी के नेता मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवार से, और अब जाकर सरकार कार्रवाई करने के मूड में दिख तो रही है। पर्ची सटाया गया है आरोपी के यहाँ कि कुर्की जब्त की जाएगी। और गलती से भी अगर आप सांप्रदायिक हिंसा में शामिल हो रहे हैं तो बिल्कुल न होइए, इस शख्स को देख लीजिए। इस शख्स का नाम है पिंकी चौधरी, अब जेल में है। दक्ष चौधरी, इसको भी जेल में डाला जाएगा। मोनू मानेसर यादव याद है, मोनू यादव, वो भी जेल में है। एक और सैनी साहब जेल में थे, बिट्टू बजरंगी जो कि ओबीसी समाज से हैं, वो जेल में हैं। तो कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़िए, वो ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीर है विनेश फोगाट की, वो भारत आ गई हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ है। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। और चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ा कॉल दिया है बहुजन समाज के लोग एकजुट होने का। सोचिए जो जज साहब जिन्होंने कहा था कि वर्गीकरण हो एससी एसटी का, और जिन्होंने कहा था कि क्रीमी लेयर लागू हो, वो कह रहे हैं कि देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है, जस्टिस बी आर गवई, जबकि अधिकतर लोग दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे। इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, नहीं तो लोकतंत्र की इमारत ढह जाएगी। तो जज साहब कर दीजिए नेक आदेश कि सब में बराबर का संपत्ति का बंटवारा हो। और ये है चंद्रशेखर आजाद का वीडियो जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो सरकारें हमारी एकता तोड़ के हमें कमजोर करना चाहती है, उनसे हम सीधे सीधे जो संघर्ष है वो अपनी शक्ति के बल पे 11 सितंबर को दिल्ली में उनको जवाब देंगे और उनके इस झूठ को कि पूल पोल को। तो 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद ने एक मैसिव कॉल दिया, और आज विनय रतन, ये देखिए विनय रतन है, ये भीम आर्मी के प्रमुख हैं, और ये पहुंचे हैं छत्तीसगढ़, जहां किस तरह से बाबा साहेब की मूर्ति पर मल्यार्पण पर क्या, और गुरु घासीदास के जो जैत स्तंभ है उसको किस तरह से अपमानित किया गया था, उसके बाद वहां तमाम लोग नाराज थे। और ये देखिए बारिश में, ये सब खबरें आपको नहीं बताएगा कोई भी सोशल मीडिया के अलावा, खासकर बहुजन सोशल मीडिया के अलावा। ये लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एससी के छात्र हैं, ओबीसी के छात्र हैं, बैकवर्ड छात्र हैं, जिनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें आज में, जिसमें लेटरल एंट्री, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से बेईमानी की गई थी उसको जिस तरह से बेनकाब हुआ है, ये बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद 11 सितंबर को एक बड़ी रैली करने वाले हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके नस्लों के लिए ज़रूरी है, वो खबरें आपको मिलेंगी
नेशनल दस्तक पर, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ हमारी रीच को घटा दिया गया। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, नेशनल दस्तक बोलिए, नेशनल दस्तक बोलने के बाद आपको वो सारी खबरें एक साथ आएंगी। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया गया है, नया फिर से अब वैकेंसी भर्ती होगी, नया मेरिट लिस्ट बनेगा और 18,000 से 20,000 SC ST OBC को नए नौकरियां मिलेंगी। मैं इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लिखना पढ़ना और बोलना पड़ेगा, और अगर सोशल मीडिया न होता तो ये भी आपको फैसला ना आपके पक्ष में आता। तो सोशल मीडिया सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेटरल इंट्री सरकार कर रही है 50 के करीब पदों पर, 45 से 50 पदों पर सीधे IAS बनाया जा रहा है, उसमें SC ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इनके खिलाफ भी आपको बोलना पड़ेगा, आप समझिए इस बात को। जब तक TV अखबार में आपके लोग नहीं थे, गैर बराबरी के खिलाफ बोला नहीं जा रहा था, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया की वजह से SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसी को तोड़ने की लगातार कोशिश होती है। और सोचिए धीरे धीरे ही सही SC ST OBC के नेता एकजुट होने लगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पर आप देखिए, अखिलेश यादव हो, मायावती जी पहले से बोल रही थी, उसके बाद अखिलेश यादव ने बोलना शुरू कर दिया, वो भी पहले से बोल रहे थे, पल्लवी पटेल पहले से बोल रही थी, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अनुप्रिया पटेल हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, इन्होंने भी अब इस फैसले को सही कहा है। ये है ताकत मीडिया की और बहुजन एकजुटता की। मैं बार बार कह रहा हूं, SC ST OBC के लोग अगर एकजुट रहे हैं तो सरकार 90% उनका वोट है, और इस देश में लोकतंत्र में वोट से ही सब कुछ होगा। तो आप अगर एकजुट रहेंगे तो 90% की आपकी आबादी है, आपके संवैधानिक अधिकारों को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बस शर्त इतनी है कि नेता सड़क का चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक करता हो। और अगर आप व्हाइट कॉलर लोग हैं, अगर आप SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको डरना नहीं होगा और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। और खासकर मैं SC ST और OBC के लोगों से कह रहा हूं, क्रीमी लेयर के मामले पर आप चुप रहेंगे तो और मुश्किल बढ़ेगी। इन तमाम मुद्दों पर बोलिए, क्योंकि ये आपके संवैधानिक अधिकार का मामला है, और सोशल मीडिया की ताकत है, पढ़ने लिखने की ताकत है, जिसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो UP में खासकर SC ST OBC के 20,000 बेरोजगारों को अब नौकरी मिलेगी जो डिजर्व करते थे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।